Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine, safe, secure at your place. So, आज की वीडियो में मैं first time ever in my life I'm trying to make you know laddus. वो भी क्या dry fruit वाले laddus. तो मैंने ये YouTube पे ऐसे देखा था कहीं पे. तो मेरा बहुत time से मन था बनाने का. तो मैंने सोचा चलो अभी बना लेते हैं. तो मैंने बना तो लिया है. But I wanted to show you कि ये है मेरे laddus. ठीक है, जिसकी shape थोड़ी अच्छी नहीं बनी है. एंड ये यहाँ पे जो इसकी जिससे बना है ये एक्चुअली इस पर खजूर मैंने ऊपर ऊपर ही डल लिया था, नीचे नहीं मिक्स हुआ था. कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको वेस्ट नहीं होने दूंगी. मैं इसको रख दूंगी अभी अच्छे से पैक करके, और मैं इसमें कल गुड़ ला के पिघाल के फिर उसमें डाल के बनाऊँगी. तो वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा, काफ़ी हेल्दी होगा. तो ये मेरे खजूर के लड्डू हो जाएंगे और ये वाले मेरे गुड़ के लड्डू हो जाएंगे. तो ये लड्डू बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो है, मैंने खजूर ले लिया था. मैंने इसके सीड्स अलग कर लिए थे. अगर आपको बिना सीड्स वाला मिल जाए तो अच्छी बात है. मैंने सेम कटोरी के हिसाब से मैंने यहाँ पे आलमंड ले लिया. ये मैंने फ्लैक्स सीड ले ली, रोस्टेड फ्लैक्स सीड है ये. यहाँ पे मैंने काजू ले लिया, यहाँ पे मैंने किशमिश ले लिया. मैं यहाँ पे कोई शुगर का यूज़ मैं नहीं करूँगी यहाँ पे. तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं. एंड यस, आपको चाहिए घी. तो यहाँ पे गैस मैंने चला लिया है. अब हम इसमें घी रोस्ट करेंगे. ओ, ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे. तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये गोंद के लड्डू. ओ, गोंद ले रही हूँ मैं. की हाल तो ये डो की तरह बन जाएगा और आपको इसको ऐसे ही चलाना है, बहुत चलाना है. तो जैसे ही डो की तरह बन जाए तो आप इसे अपने प्लेट पे उतार लो. सो जैसे कि अभी ठंडा हो गया है हल्का हल्का, तो आप इसको अभी इसमें ऐसे मिक्स कर लो. यहाँ पे हल्की सी घी ले लो और ये जो है गोंद ये आपके ऐसे क्रिस्प हो जाने चाहिए और आप इसको मिक्स कर लो. है तो ये थोड़े थोड़े गर्म, बट इसी पे ही करना सही रहेगा, नहीं तो फिर वो ठंडे होके नहीं बन पाएंगे. सो, आप हल्की सी घी ले लो, हाथ पे इसे लगा लो और अब आप इसका डो बनाने लग जाओ. ये देखो, अपने अकॉर्डिंग आप शेप कर लो.
सो गाइज, यहाँ तो मैंने आपको दिखा दिया, आपने सारी रेसिपी भी देख ली. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ यू नो कुकिंग, ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. लाइक माई वे ऑफ डूइंग इज़ लाइक कुछ भी ऐसे क्विक क्विक हो जाए तो मैं बहुत ईजीएस्ट वे ढूंढती हूँ चीज़ें करने की. सबका अपना अपना तरीका होता है. आपका जो तरीका वो आप ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, और जो मेरा था मैंने फर्स्ट टाइम करा, इसमें कुछ गलती हो या कुछ भी अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा. और येस, आई एम नॉट अ कुकिंग ब्लॉगर, आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक, बट येस मैं थोड़ा थोड़ा जो भी ट्राई करती रहती हूँ. और मैं पता नहीं क्यों आया कि मैं ऐसा व्लॉग बना लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ आया भी नहीं था मेरे चैनल पे. मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी कर देते हैं. तो आपको, आई होप आपको ये मेरी लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो. अगर आपको पसंद आई है, अगर आप घर पर ट्राई करते हैं, तो आपको पता है ना आपको क्या करना है. आपको मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर बना के, या आप मुझे DM भी कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हैं बाय फ्यूशन मेगना फैशन. और आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि इसमें और क्या क्या ऐड हो सकते हैं. कुछ भी इसमें ड्राई फ्रूट्स मेरे अपने जो मुझे कन्वीनियंट लगते हैं, जो मैं खाती हूँ मैंने वही ऐड करे. आप जो खाते हैं पिस्ता विस्ता, बहुत चीज़ें होती हैं लोग खाते हैं, बट मैं इतना झमेला नहीं करना चाहती थी, बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम ट्रायल था मेरा. तो मैंने इसको अपने हिसाब से ऐसे ही बना लिया, और ये बने भी बहुत सही हैं. मैंने पापा को टेस्ट करवाया, उन्होंने बोला ठीक बने. तो यस, इफ़ यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, तो आपको पता है अगर आपने ये वीडियो लाइक करी है तो आपको क्या करना है, लाइक ही करना है. जी हाँ, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है. और मैं अब आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.